इधर रायसेन से बड़ी खबर आपको बता दें, नर्मदा में दो शव मिल चुके हैं। नरसिंहपुर के पेटराज घाट पर ये शव मिले हैं। एक महिला अभी भी लापता बताई गई है। नदी में महिला की तलाश लगातार की जा रही है। कल बताएं कि नाव पलट गई थी, इसमें 9 लोग सवार थे, 6 लोग तैर कर बाहर निकल गए थे। 3 लोगों के बारे में खोजबीन की जा रही थी, इसमें से 2 लोगों के शव जो हैं वो पता चल गए हैं, इनके बारे में जानकारी मिल चुकी है। लेकिन एक महिला भी लापता बताई जा रही थी। लेकिन अभी अभी इस वक्त का देखिए अपडेट, तीनों शव मिल चुके हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको बता, नरसिंहपुर के पिटराज घाट पर ये तीनों शव मिल चुके हैं। नर्मदा में ये तीनों शव मिले हैं। नाव पलटी थी और इसके बाद 3 लोग लापता थे, लेकिन तीनों लोगों के शव मिल चुके हैं। देवराज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। क्या जानकारी है इसके बारे में? कल नाव पलटी थी और 3 लोग लापता थे, देवराज, मिल गए शव? जी पुनीत, ये तीनों लोगों के सब मिल गए हैं, सबको बरामद कर लिया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान यह सब बरामद किए गए हैं। पहले 28 वर्षीय देवेन सिंह अहिरवार का सब बरामद किया गया है, वहीं इसके बाद उसी जगह के पास 3 वर्षीय गोविंद अहिरवार का सब मिला है, जिसके बाद 28 वर्षीय महिला अंगूरी अहिरवार का भी सब बरामद कर लिया है। तीनों सबको पोस्टमार्टम के लिए उदयपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है, जहाँ से पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया जाएगा। ये क्या ये लोग एक ही परिवार के थे? जी बिल्कुल, ये एक परिवार के नहीं, दो परिवार के थे, हालांकि एक ही समाज के थे। वो मृतक देवेन सिंह अहिरवार, जिसकी उम्र 28 वर्ष है, ये ग्राम मेहगावा थाना गडरवारा जिला नरसिंहपुर के निवासी हैं। वहीं जो 28 वर्षीय मृतक महिला अंगूरी अहिरवार है और 3 वर्षीय गोविंद अहिरवार है, ये दोनों नरसिंहपुर जिले के थाना गाडरवारा ग्राम जमाड़ा के निवासी हैं। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए देवराज। यूपी के बलिया में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान